और इससे पहले मेरा एक फ्रेंड जो है यूज कर रहा था इसे, तो इसलिए मैंने जो है परचेज करा और वो जो ऑलरेडी 2 साल से यूज कर रहा है। तो इससे पहले वाले वीडियो में जैसा कि मैंने बोला था कि इसकी रिव्यू जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ ये वीडियो और इसमें हम लोग खोलेंगे, देखेंगे कि कैसा है हमारा डेनिम जैकेट। और ये जो है हियर एंड नाउ की तरफ से आता है और इतने कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, आप सोचोगे नहीं। तो वीडियो जो लास्ट तक जरूर देखना, बाकी चलिए इसे खोलते हैं। तो ये देख सकते हो अपना जो है डेनिम जैकेट, बाकी इसे जो है हम बाहर निकालते हैं। तो ये देख सकते हो अपना डेनिम जैकेट, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। और सबसे पहले यहाँ पे जो है इसका प्राइस टैग दिया गया है, इस पे इसकी एमआरपी दी गई है 3399 रुपये, अगर आपको साइज दिख रहा हो तो। बात करें इसके साइज की, तो मैंने जो है एस सेलेक्ट किया था, सबसे छोटा साइज जो है मैंने सेलेक्ट किया है एस। तो आप जो है ऑर्डर करने से पहले साइज चार्ट एक बार जरूर देख लेना कि आपका शोल्डर कितना है, आपका चेस्ट कितना है, उसके हिसाब से ऑर्डर करना। बाकी ये जो है मुझे थोड़ा सा बड़ा ही होने वाला, फिर भी मैंने जो है परचेज कर लिया है। तो मैं अगर आपको खोल के दिखाऊं तो ये देख सकते हो अपना जैकेट, यहाँ पे आपको जो है मेटल का बटन देखने को मिलेगा और उस पर जो है हियर एंड नाउ की ब्रांडिंग की गई है पूरे में, जो बहुत ही अच्छी बटन की क्वालिटी है और ब्रांडिंग की गई है, उसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके अलावा दोनों साइड जो है आपको 2 पॉकेट देखने को मिलेगा, काफ़ी सही है, डेप्थ अच्छा है। और इसमें पता है मुझे पर्सनली क्या अच्छा लगा, इसका जो है थ्रेड देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। नॉर्मली आप डेनिम जैकेट देखोगे तो ऐसा जो है थ्रेडिंग नहीं किया जाता है, तो ये इसकी थ्रेडिंग जो है बहुत ही अच्छी की गई है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है देखने में, तो ये भी इसकी खास बात है। उसके अलावा ऊपर भी जो है आपको पॉकेट 2 दिया गया है। और अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो पीछे आप देख सकते हो, ये देखो पीछे भी जो है काफ़ी सही लग रहा है देखने में। और इसे पहले मेरा एक फ्रेंड जो है यूज़ कर रहा था इसे, तो इसलिए मैंने जो है परचेज करा और वो जो ऑलरेडी 2 साल से यूज़ कर रहा है, मतलब समझ रहे हो, और अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ये 3rd ईयर है। और मैंने अभी चेक भी करा था, बहुत ही अच्छा चल रहा है। और मैंने पिछली वीडियो में जो है वो जैकेट पेयर भी करी है डेनिम जैकेट, तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो बैगी जींस वाला, तो प्लीज़ एक बार चेकआउट जरूर करना। और यहाँ पे अगर आप पीछे देखोगे तो पीछे जो आपको एक लेदर का पैच लाया है जिसपे कि हियर एंड नाउ की ब्रांडिंग की गई है उस। तो ओवरऑल मुझे क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी लगी, रिव्यू भी बहुत ही अच्छा था, जेन्युइन था। और मुझे जो है ब्लैक कलर एक पसंद है और लेना भी है, तो आप मुझे सजेस्ट करना कि ब्लैक कलर का डेनिम जैकेट कौन से ब्रांड का अच्छा होता है। मैं सोच रहा हूँ इसी ब्रांड के लिए जाऊँ, बाकी आप मुझे कमेंट करके सजेशन जरूर देना। और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जो आप इजिली चेकआउट कर सकते हो। और मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट करके बता देना। और विंटर नाम से मैंने जो एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वो भी आप चेकआउट जरूर करना, आपको बहुत सारी वीडियो जो है मिल जाएगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।